यहां पर जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका सेवेंथ पॉइंट आएगा ना, वो सेवेंथ रूल था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स रिमेन इक्वल टू -1, -1. मिस हैलोजन कौन है? हैलोजन फैमिली कौन सा जाता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. ये सब के सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगा? -1. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर विल से, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन जो भी है, दैट्स गोइंग टू बी -1. मतलब ये किसी के साथ भी रहेगा, किसी और के एलिमेंट के साथ, तो वो -1 रहेगा. लेकिन आपस में भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो -1 रहेगा, अनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस में चला जाएगा. जैसे यहां पे लिखेगा इन इंटर हैलोजन, साथ में लिखेगा इन इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इंटर हैलोजन का मतलब हैलोजन के बीच में बहुत बार बॉन्डिंग होता है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शोज -1 एंड अदर हैलोजन शोज +1. शोज +1. समझ आ रही है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दिखाएगा -1, एंड जो दूसरे हैलोजन है वो दैट्स गोइंग टू शो +1. जैसे यहां पर हम देखेंगे CLF, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर -1 होगा, इसके ऊपर X होगा. तो आपको पहला पॉइंट जो हम दिखाए थे कि X सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू 0, X -1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +1. तो ये क्लोरीन के ऊपर, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका फिक्स्ड है, इसके ऊपर +1 हो जाएगा. ठीक है, क्या समझ में आई? कि जो इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल है उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर -1 होगा, एंड जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर प्लस जाएगा. किस केस में? इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल के केस में. तो आप याद करो, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं एक्सेस, हमारे पास क्या क्या पॉइंट था, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए हैं अभी तक. ठीक है, क्या क्या चीज को डिस्कस किए उसमें सबसे पहले ये याद करने की कोशिश करेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिर मेटल्स आयंस में चार्ज बोले थे, मेटल्स का फिक्स्ड है, कौन सा फर्स्ट ग्रुप का फिक्स्ड है, याद आ रहा है आपको? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का फिक्स जाता है, फिक्स्ड होता है वहां पर, ये सब ध्यान है? Yes, बोलो. ठीक है, yes, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. मतलब वो जान के हमको क्या फायदा है, डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे कोई एग्जाम आपका होगा तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा, डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग. ये हमारा टॉपिक है. जैसे सबसे पहले NaH2PO4 बोला गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए P का. कैसे निकालेंगे? दिस इज गोइंग टू बी X फॉर अस. ये बताओ, जिसका जिसका आपको पता है वो लिखते चले जाओ इसके ऊपर. Na के ऊपर क्या है जल्दी बताइए. ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, व्हाट शुड बी ऑक्सीडेशन स्टेट? +1. एच के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताए थे कि मेटल्स के साथ वो -1 होगा? मेटल्स के साथ -1, नॉन मेटल्स के साथ +1. +1. +2. ठीक है,
जो एक एक एटम का है ऊपर लिखते चले जाते हैं. फॉस्फरस को तो पता नहीं, एक्स लिख दिया. ऑक्सीजन का कितना होता है? -2. अब चलो फॉस्फरस का इसी की मदद से सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स इक्वल टू जीरो हम कैसे निकालने जा रहे हैं? देखो प्लस वन, टू इंटू प्लस वन प्लस टू प्लस एक्स, फोर इंटू माइनस टू माइनस एट इज इक्वल टू जीरो. बोलो एक्स क्या होगा जल्दी? प्लस या माइनस? प्लस फाइव. यही आपको निकालना था, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका देखा. यस मैम. ठीक है, हमको यदि ऑक्सीडेशन नंबर कुछ का फिक्स्ड हम जान रहे हैं, हम दूसरे का आराम से निकाल सकते हैं. चलिए अब दूसरा एग्जांपल उठाइए. NaHSO4. इस बार हमको सल्फर का निकालना है. Na का क्या है? प्लस वन. ये भी H नॉन मेटल्स के साथ है. प्लस वन. दिस इज X, दिस इज -2. क्या होगा ये बताओ? फाइव. ये भी फाइव ही हो जाएगा. ये प्लस वन नहीं, ध्यान से देखना. प्लस वन प्लस एक्स माइनस एट, फोर टू जा एट माइनस एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स. तो सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकला? प्लस सिक्स. ठीक है, ये जान लो, आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी, ट्वेल्थ में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर की क्लैरिटी होनी चाहिए. सारा एग्जाम्पल लिखते जाइए. लिखा मैं वो सेकंड वाला नहीं देखे थे, मैं बस एक सेकंड वो बैक पर ही आ रहा. यस मैम. एक्स माइनस टू के टू एम एन ओ फोर, दिस इज एम एन हियर, एक्स है करेक्ट. के का बता दो. प्लस वन. पहले ऊपर में एक सिंगल एटम का लिखा जाता है, एल्कली मेटल है ये, मैंगनीज का आपसे पूछ रहा है. एक्स किया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू होता है. चलिए मैंगनीज का फटाक से बताइए क्या होगा. प्लस प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो प्लस टू प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स. करेक्ट. अब जरा सा एक चीज समझना. H2S2O7, इसमें सल्फर का निकालना है. कैसे आगे बढ़े हैं? माइनस वन होगा. किसका? H का. चलो देखते हैं कैसे होगा. हाइड्रोजन का प्लस वन हुआ, ये एक्स हुआ, ये माइनस टू हुआ. एक्स क्या आएगा मैम? प्लस ट्वेल्व. नो मैम, सिक्स. ठीक है जल्दी बोलो मैम. एच टू एस के साथ नहीं था? है तो साथ तो है. तो मैम ये एस तो मेटल है. सल्फर. सल्फर मेटल है. चलिए अब हम बात करते हैं के एल एसओ फोर होल ट्वाइस. सपोज यू गेट सच काइंड ऑफ कंपाउंड और आपसे कहते हैं कि सल्फर का निकालो. एक यहां पर एक बात बताते हैं, इस किसी को ध्यान है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज योर सल्फेट. इसके ऊपर फिक्स चार्ज है. दिस इज रेडिकल. इसके ऊपर फिक्स चार्ज होता है सल्फेट के ऊपर. हमको जब सल्फर का बोला, हम बहुत कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधे इसका निकालेंगे. क्या करते हुए? इसके ऊपर एक्स डालेंगे, एक्स. इसके ऊपर माइनस टू ऑक्सीजन के ऊपर,
x minus 8 is equal to minus 2, x is equal to plus 6. क्या समझ आया? x minus 8 is equal to minus 2, x is equal to plus 6. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सल्फर के ऊपर x हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू हुआ, तो 4 2 सा 8, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज कमिंग एज प्लस 6. बोलो ये क्लियर है? नहीं तो आप अलग अलग कीजिएगा, इसको प्लस 1 लिखिएगा, इसको प्लस 3 लिखिएगा, तो लंबा प्रोसेस होगा. आपको एक कोई भी रेडिकल यदि है, जैसे सल्फेट है जिसके बारे में आपको पता है कि सल्फेट के ऊपर चार्ज माइनस 2 होता है, then you can say आयंस. क्या हम बताए थे आपको कल कि एक का x हो गया, सल्फर का यदि हमको निकालना है तो हम उसका x डालेंगे. ऑक्सीजन का हमको पता है कि माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 हो गया, दैट्स इक्वल टू माइनस 2. बोलो. यस मैम, समझ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. H2S4O6. ये आपका हम एनसीईआरटी बुक से ही कर रहे हैं. सल्फर का क्या होगा? H का क्या होगा? This is X. H is plus 1. Plus 1. Minus 2. क्या कीजिएगा? Plus 2. Plus 4X. ये ध्यान रखना है इसको. Minus 6 2 is 12 is equal to 0. जल्दी बताओ कि x क्या होगा? 4 plus 4. x is going to be equal to, ध्यान से देख के बताओ. 5 by 2. कितना आएगा? 5 by 2. You're calculating that as what? 5 by 2. Yes, ma'am. X equal to 10 by 4. X is equal to 10 by 4. Yes, ma'am. That's yes, coming as 5 by 2. 5 by 2. Yes, ma'am. ठीक है, 5 by 2 आता है. हाँ, 5 by 2 आएगा. ऐसे करते भी आप आंसर लिख सकते हो 5 by 2. यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो ये करने के लिए बोल देता है कि exactly you need to, क्या चारों पे क्यों ये 5 by 2 फ्रैक्शन में क्यों आ गया? What's the meaning of if it comes in fractions? इसका मतलब क्या है ना कि ये चार सल्फर में से सभी का एक एक जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. और इसका स्ट्रक्चर यदि हम बना के, कल जो हम आपको बता रहे थे कि स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, दैट इज अ वे टू अंडरस्टैंड. फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के लिए अवेयर होना होगा और बताना होगा कि क्या चारों सल्फर के ऊपर 5/2 है. नहीं, ये इसका स्ट्रक्चर है. अब बोलोगे इतना लंबा स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? ये बॉन्डिंग एंड 12th स्टैंडर्ड तक आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा हाउ टू राइट स्ट्रक्चर. ठीक है, हम H2S4O6 का स्ट्रक्चर लिख के आपको हम दिखा रहे हैं अभी. चलो जरा सा हम सब सल्फर का निकालने की कोशिश करें, जो रियल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का. इसको हम ब्रेक करें तो इसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? माइनस 2. इसके ऊपर प्लस 2. हेलो, याद आ रहा है कल जो कर रहे थे हम लोग? yes, इधर ब्रेक किया तो प्लस 2, इधर माइनस 2. ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो छीन के लेके चला जाएगा. इधर ब्रेक कीजिएगा तो एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन सल्फर से खीन करके ले जाएगा. इट्स गोइंग टू हैव प्लस 1 एंड दिस विल हैव माइनस 1 दिस साइड. इसको तोड़ने की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, सल्फर की तरफ हम देख रहे हैं. ये बताओ कि ये सल्फर और ये सल्फर टूटेगा तो होमोलिटिक टूटेगा या हेट्रोलिटिक टूटेगा? कोई बताओ जल्दी से. होमोलिटिक मैम, हेट्रोलिटिक, क्योंकि आप ये बोलिए फ्रैक्शन में. अरे नहीं, फ्रैक्शन में है तो आपको हम सोचने के लिए बोल रहे हैं कि हर एक सल्फर का सेम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है. yes, इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाए. और जो रियल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है, क्या रियल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका था? याद आ रहा है कुछ? रियल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या तरीका था? चार्ज होने. हाँ, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज.
रेसिडुअल चार्ज बचेगा आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड. ये इनको बताओ कि ये जब टूटेगा तो क्या होगा. बराबर से बराबर क्या इसका कोई नुकसान या फायदा है? नहीं. तो इस सल्फर के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया? प्लस फाइव. यही सल्फर का जब बॉन्ड टूटेगा तो देर इज नो चेंज ऑन सल्फर, इट इज जीरो. ये SRS बॉन्ड टूटा, यहाँ कोई चीटिंग नहीं, कोई बेमानी नहीं, इसके साथ टूटा कोई बेमानी नहीं, इस सल्फर के ऊपर भी जीरो. ये SRS टूटा है, माइनस टू, दिस साइड इज प्लस टू, दिस साइड ऑल्सो प्लस टू. और ये टूटा सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में. आपको कल हम याद दिला रहे हैं फिर से, कल हमने बोला था ना जब बॉन्ड टूटता है, होमोलिटिक एंड हाइड्रोलिटिक टूटता है, जहां बराबरी का बंटवारा है, जब दो दिग्गज एक जैसे हैं, बराबरी का बंटवारा होगा. लेकिन यहाँ पर चीटिंग, यहाँ पर कोई डोमिनेट करेगा, वो छीन छान कर ले जाएगा. तो ऑक्सीजन सल्फर से छीन कर ले जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन, सल्फर के ऊपर प्लस वन. इस सल्फर के ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ? प्लस फाइव. यानी कि चार सल्फर में से दो के ऊपर प्लस फाइव है, दैट्स व्हाई वी गॉट इट हियर 5/2 एवरेजिंग करने पर, एंड दो सल्फर के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है. हम हर समय स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे, ये सब में स्ट्रक्चर नहीं बनाए क्योंकि इजी वे में होल नंबर आ गया, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन आया तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि 5/2 क्या मीन करता है. चार में से, इसका मतलब ये हुआ कि चार में से दो सल्फर के ऊपर फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दो के ऊपर जीरो है. जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम. बढ़े आगे. यस मैम. सही. नेक्स्ट आइए, CH3CH2OH. इसमें आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन. यू हैव टू फाइंड आउट फॉर कार्बन. क्वेश्चन था ये कार्बन का निकालना है और ये कार्बन का निकालना है. कैसे निकालें फिर? क्या हम बॉन्ड बना सकते हैं? कैन वी मेक बॉन्ड हियर? यस मैम. ये दोनों कार्बन के बारे में पूछा है, राइट? बताओ कैसे कैसे बॉन्ड टूटेगा. When this bond is going to break, C and H में कौन चीटिंग करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले जाएगा, जल्दी बताइए. कार्बन. कार्बन. विलहम. क्या माइनस वन? इधर भी खींचा माइनस वन, इधर भी खींचा माइनस वन. तो इस कार्बन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया? माइनस थ्री. यहां से कोई चीटिंग नहीं, यहां से कोई चीटिंग नहीं. यहां टूटा माइनस वन, यहां टूटा माइनस वन, यहां टूटता है सी एन ओ के बीच में बॉन्ड टूटेगा. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल हैव माइनस वन एंड दिस विल हैव प्लस वन. तो इसके ऊपर कौन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया? माइनस वन. नोटिस कर रहे हो? CH3CH2OH में एक कार्बन के ऊपर माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरे के ऊपर कितना है, ये बताइए. एक के ऊपर माइनस थ्री, दूसरे के ऊपर क्या? माइनस वन. कभी कभी आपको दो निकालने के लिए बोलेगा और स्ट्रक्चर यदि पता है तो प्रॉपर वे में आपको स्ट्रक्चर बना करके CH3COH जैसे पूछा. ये H H H कुछ बता पाओगे किसके पास कौन कौन सा है इस कार्बन का? बॉन्ड टूटा प्लस वन, दिस विल डू चीटिंग माइनस वन.
माइनस वन, यहां से भी माइनस वन, माइनस वन, यहां से भी माइनस वन, यहां पर कोई चेंज नहीं, यहां के ऊपर माइनस टू एंड दिस साइड प्लस टू, प्लस टू, इधर से माइनस वन, इधर प्लस वन, प्लस वन, ये बताओ किस कार्बन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? माइनस माइनस फोर का, माइनस फोर कैसे? माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, दिस इज माइनस थ्री, माइनस थ्री, इस कार्बन के ऊपर प्लस थ्री, प्लस थ्री, प्लस थ्री। पहले हमको बताओ कि जब किसी मॉलिक्यूल में दो का बोले जाएगा आपको स्ट्रक्चर लिखना आ जाएगा। आप बोलोगे कि मैं सब ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिख पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो अपने आप ये सब लिखना आ जाएगा आपको। फिलहाल अभी कितना आ रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन ऑर्गेनिक करते करते आपको ये सारी चीजें लिखनी आ जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे जरा सा। Fe3O4, इसमें Fe का बताना है, अकेला एटम का। कैन वी टेक दिस एज X एंड दिस इज माइनस टू, कैसे लिखें? बोलो मैम। 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 8 बाय 3, x इज इक्वल टू 8 बाय 3, 8 बाय 3। इसका मतलब क्या है? व्हाट दिस 8 स्टैंड्स फॉर? क्या क्या स्टैंड कर रहा है 8 बाय 3 का? मतलब क्या निकल के आ रहा है आपको? सारे एटम के पास सेम ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, सबके पास सेम, ये जो तीन Fe है तीनों के पास एक जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, अलग अलग है। और हमको मालूम है कि Fe जो है ना वो प्लस टू एंड प्लस थ्री में रहता है। कितने सारे प्लस टू है प्लस थ्री हम लोग पता कर सकते हैं अभी। इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, FeO, Fe3O, जैसे हम लोग को आता है ना Fe3O4, तो उसमें एक होगा FeO, Fe2O3, ऐसे करते हुए। दिस शुड बी फॉर्मूला हियर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्स में, यदि पढ़ाए होंगे स्कूल वगैरह में, तो Ki3 में I का बताइए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। K का तो प्लस वन, I का माइनस वन, K के ऊपर प्लस वन, I के ऊपर माइनस वन, कैसे लिखें? प्लस वन माइनस थ्री, एक सेकेंड, इसका तो पता करना था ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो, आई का पता कर रहे हैं, एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? थ्री एक्स, थ्री एक्स, हाँ थ्री एक्स, थ्री एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, इट मीन्स तीन में से तीनों का एक जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। Does not have same oxidation state. तो आपको दिखाना होगा तो कैसे कैसे किस तरह का बॉन्ड बना है। इसमें दिखाया जाता है कि K के ऊपर तो प्लस वन है, and in bracket it is said आउडीन है ऐसा, और इस आउडीन के साथ K आउडाइड है। इस तरह से coordinate बॉन्ड बनाया है। इन लोग के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये पूछा जाता है कि जो आई थ्री माइनस है ना, आई थ्री विच यू आर टॉकिंग हियर, ये दोनों आई के ऊपर जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दिस इज हैविंग माइनस वन। सो बकायदा ये क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये स्टेटस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार पूछा जाएगा कि आई थ्री के ऊपर जो माइनस वन है उसका मतलब क्या है। I3 के ऊपर माइनस वन, K के ऊपर प्लस वन है, I3 के ऊपर माइनस वन का मतलब क्या हुआ, कैसे बॉन्ड बना होगा? तो I, I इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है I माइनस वन, इस तरह का सेटअप।
ठीक है, जल्दी बोलिए। यस मैम। इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पहचानना है कि कहीं कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्लास जो कल हम लोग मिलेंगे ना, वहां बैलेंसिंग वाली चीज स्टेप शुरू करेंगे हम लोग। कल हम बैलेंसिंग वाली करेंगे, और ये जो जितना क्वेश्चन अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला बताए हैं, इसको आप लोग करके रखिएगा, मतलब कॉपी में अपडेटेड रहना चाहिए, इतना प्रैक्टिस हो करके रहना चाहिए आपका। अभी एक चीज आप आगे करने जा रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या नहीं, ये बताओ जरा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो क्या क्या चेंज नोटिस कर रहे हो? इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड? हम थोड़ा सा बस एक जानने की कोशिश करेंगे आपसे, व्हाट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हियर, कोई बताओगे? डिक्रीज कर रहे हैं? नहीं नहीं, पहले हमको बताओ कि कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू होता है, फिक्स्ड है, तो कॉपर के ऊपर कितना होगा? प्लस टू। हाँ प्लस टू। एच के ऊपर क्या होगा? प्लस वन। नहीं माइनस वन। नहीं, अब सुनिए ध्यान से बेटा, एच टू एक मॉलिक्यूल है, एच के ऊपर एक्स यदि है तो टू एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो एक रूल के तहत आप लिख डालो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक चीज जरा सा याद दिला दे, लिखी लो नहीं तो ध्यान आप कंफ्यूज कर जाओगे। फिर आठवां रूल के तहत लिख डालिए, यदि इफ यू हैव स्पेस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑफ एटम इन डायएटमिक मॉलिक्यूल, डायएटमिक और ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल रिमेन्स इक्वल टू जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन डायएटमिक और ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल रिमेन्स इक्वल टू जीरो। समझ आ रही है बात? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन डायएटमिक और ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल रिमेन्स इक्वल टू जीरो। यानी कि हम पूछेंगे आपसे कि H2 का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू लाइक दिस कि H2 इज डायएटमिक, तो 2x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? जीरो। बोलो। यस सर। एक न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, एक एटम पे कितना होगा? जीरो होगा। yes, इस पर बताओ क्या होगा? इस पर भी तो जीरो होगा, क्योंकि इट्स न्यूट्रल एटम। अब यहां बताओ कि एच के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू, तो एच के ऊपर क्या होगा यहाँ? माइनस प्लस टू। प्लस टू तो दो पे होगा ना, प्लस वन सिंगल पे बताओ, प्लस वन। प्लस वन। हाँ ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देख के बताइए, व्हाट हैज हैपेंड टू कॉपर? रिडक्शन। मैम रिडक्शन। व्हाई डिड यू से रिडक्शन? क्या डेफिनेशन था रिडक्शन का? कॉपी देख के बताइए। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वो तो पुराना था ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलिए जल्दी से। Removal of oxygen. Removal of oxygen, it's okay. Electronic concept decrease jo aapko, in negative charge, ma'am. Decrease in negative charge. Is it there? Yes, no, ma'am. Oxidation. वो तो oxidation का reduction. यहाँ क्या हो रहा है? Plus two is changing into zero. Decrease in positive charge. Positive charge. हो रहे? Yes, ma'am. This is your reduction. बोलो। यस मैम। एंड व्हाट्स हैपनिंग विद H2? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि मैम उसमें इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज किया?
we'll say H2 has oxidized to H2O. Yes. And CuO has reduced to Cu. Yes. Say it. Yes. Yes, ma'am. Next I give Fe2O3 plus 3CO Fe अब सोच के बताओ जरा सा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें किसका रिडक्शन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पता करके बताइए Fe का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर यदि ऑक्सीजन सब मेंटल मैथ्स लगाना शुरू करो यदि ऑक्सीजन का -2 होता है तो Fe के ऊपर क्या होगा +2 -6 इज इक्वल टू 0 अच्छा सीरियसली बताओ कि नहीं निकाल पा रहे हो इसको x क्या होगा +3 CO में ऑक्सीजन का फिक्स्ड है -2 C का बताओ क्या होगा +2 इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जीरो जीरो इस C का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यदि आपका ऑक्सीजन का -2 है का +2 कितना +2 x -4 इज इक्वल टू 0 x इज +4 होगा ना यस मैम मैं समझ गया -2 और 2 था तो -4 था इसलिए वो +4 ओके मैम समझ गया यस मैम अब हमको बताओ क्या चेंज नोटिस कर रहे हो मैम Fe में रिडक्शन होगा Fe2O3 में रिडक्शन हो रहा है और 3CO में ऑक्सीडेशन और कार्बन क्यों रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन क्यों हो रहा है क्योंकि माइनस चार्ज जो है उसमें माइनस चार्ज में डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज सॉरी मैम डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज वो माइनस चार्ज बढ़ रहा है इधर क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो इसमें इंक्रीज मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज दिस इज व्हाट ठीक है यस नेक्स्ट आइए BCl3 +3LiH4B2H6 +LiCl +AlCl3 आपको बस बताना है क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर बताइए बोरॉन में क्या है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट -3 प्लस Cl के ऊपर -1 होता है हैलोजन है ये तो -3 इसके ऊपर +3 ठीक है यस मैम माइनस x -3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू +3 +3 लिथियम इज +1 अल्कली मेटल है एल्युमिनियम आपको नहीं पता है H मेटल के साथ हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा माइनस अब बताओ कि एल्युमिनियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 3 एक्स इज इक्वल टू +3 +3 इस बोरॉन में बताओ क्या सीन है बोरॉन इज नॉन मेटल नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या रहता है +1 दिस इज x बताइए कितना होगा 2x -3 इज इक्वल टू 0 -3 मैम -3 मल्टीप्लाई करेंगे कि उसी का माइनस में आ जाए तो -3 रख के -3 इनटू 2 करें तो -6 धीरे धीरे आपको मेंटल मैथ्स वर्क करने ही लगेगा तो यू विल डू इट लाइक दैट ओके मैम ये AlCl3 यहाँ पर +3 है दिस इज -1 -1 आप हमको बताओ कि इज देयर एनी चेंज विद द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको चेंज नोटिस कर रहे हो यदि बोरॉन
ये क्या निकाला था, -3 निकाले थे ना, यदि इसमें चेंज हो रहा है, थोड़ी देर के लिए समझ लें, और कहीं चेंज नजर आ रहा है, हियर देयर इज चेंज बट देयर इज नो चेंज इन द केस ऑफ एल्युमिनियम, नो चेंज, इसको क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, यहां पर इसके बारे में क्या बोलिएगा, दिस इज नॉट शोइंग रिडॉक्स, इज इट ओके? यस मैम. चलिए नेक्स्ट आते हैं, 2K + F2 प्रोडक्ट इज F-. क्या ये रिडॉक्स है, पता करना है आपको. Yes, ma'am, redox. Increase in K यानी positive हो रहा है और decrease in F हो रहा है यानी कि हम side redox है. Yes, ma'am, redox है ma'am. हम increase in positive charge. K के ऊपर zero है, K के ऊपर plus है. Plus है. So. Oxidation. और हम वो reduction. F2 redox. इसके ऊपर zero है. इसके ऊपर माइनस माइनस वन दिस इज शोइंग रिडक्शन. ये इसलिए पहचानना जरूरी है क्योंकि अगला कल जो हम बैलेंसिंग करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन. जरा प्रीवियस वाले का देखें तो यहाँ पर, यहाँ कोई चांस है क्या चेंज होने का, जरा ध्यान देना. तो हाइड्रोजन पे नजर आ रहा है. यस मैम, हाइड्रोजन. एल्यूमिनियम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक चीज नोटिस करना, देर इज चेंज विद अ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में यहाँ पर -1 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मैम. एंड दिस इज चेंजिंग, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हैव यू नोटिस हियर. इसका रिडक्शन हो रहा था, +3 वाज चेंजिंग टू -3, देर इज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, रिडक्शन, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. ये नो रिडक्शन करके नहीं लिखेंगे, दिस इज शोइंग रिडॉक्स. लेकिन सरप्राइजिंगली हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. इमेजिन हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -1 to +1. ऐसे हम लोग एल्यूमिनियम नहीं कर रहा है, लिथियम नहीं कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. नोटिस कर रहे हो, सो दिस शोज रिडॉक्स. तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमको पहचानना आना, कल जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ जितने लोग भी आओगे उन लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और पहचान पाते हैं कि नहीं. एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट करेंगे उसको, ठीक है. H2O + F2 HF + HOR. कैन यू सी दिस इज शोइंग रिडॉक्स. सबका लिखते हैं अभी. ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2 H के ऊपर +1. इसके ऊपर क्या होगा, जीरो. ये HF के ऊपर -1 और -1. इस H के ऊपर बोलिए, अगर उसके ऊपर +1 हुआ तो फिर ये नॉन मेटल के साथ है तो दिस इज +1. तो मैं उसको माइनस के ऊपर -2. क्लोरीन के ऊपर -1. आपको क्या चेंज नजर आ रहा है, जरा बताना, कौन किसमें चेंज कर रहा है. मैम, F2 का रिडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, F का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का. F का रिडक्शन हो रहा है. और अच्छा, एक चीज और पूछ रहा है यहाँ पर, फ्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा. ऑक्सीजन का यदि -2 है यहाँ पर,
ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है, एक्सेप्शन है, फ्लोरीन के ऊपर प्लस वन जा नहीं सकता था. इसके बारे में कहा जाता है कि सेम सब्सटेंस दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, F2 is getting reduced and same time F2 is getting oxidized to plus 1. तुम नोटिस कियोगे अलग अलग पेयर रहता है. इफ सेम सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन. Disproportionation reactions. What are we understanding here? F2 is getting reduced. समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. And this is getting, ये आपका reduce कर रहा है. And same substance is getting oxidized. ऐसा reaction जिसमें एक ही substance oxidize भी करे, reduce भी करे, इसको हम लोग disproportionation reactions कहते हैं. क्या बोलते हैं? Disproportionation reaction. नहीं तो अक्सर क्या होता है ना, pair में होता है. जैसे ये oxidize किया and दूसरा reduce. हम क्या देख रहे हैं इस वाले में? Same substance is getting oxidized as well as reduced. So this is reported as what? Disproportionation reaction. Correct? Yes, ma'am.